154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो 8 मार्च को भी थे, 9 मई को भी थे। यास्मीन राशिद 41 कॉल, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं। हमने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंफर्म करना है। इन तीन चीजों के लिए हमें रिमांड ना दिया गया, डिस्चार्जगी जिसका बड़े धूम मचाई जा रही है। कानून है, हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। पंजाब पुलिस का यास्मीन राशिद की बरियत हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 8 और 9 मई को जलाओ घेराव और जिना हाउस पर हमले के लिए किस रहनुमा ने कितनी कॉल्स की, आईजी पंजाब ने सब बता दिया। कहा यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और असलम इकबाल ने 215 कॉल्स की। पुलिस को फॉरेंसिक शहादतें पेश करने का मौका देने के बजाय बरी कर दिया गया। तमाम शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की ऑडियोज और वीडियोज की रिपोर्ट भी सामने आ गई। हमले के वक्त यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर मौजूदगी साबित हो गई। और कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूं। फौज के खिलाफ मुसलसल तकरीरें सुन सुन के मेरे जहन में फौज के खिलाफ जहन साजिश शुरू हो गई। जिला हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की क्यादत यास्मीन राशिद कर रही थी। चेयरमैन पीटीआई की फौज के खिलाफ तकरीरों ने जहन साजी की। शरपसंद रईस का एतराफ, जीएच के ऊपर हमले में मुलविस 36 मुलजिमान की अटक जेल में शनाख्त, गवाहों ने मुलजिमान को पहचान लिया। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुलजिमान को मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया। शरपसंदों को पनाह देने पर बुनेर में मुकदमा दर्ज, पीटीआई के जिला रहनुमा समेत 2 अफराद नामजद। बगावत करें, जो लोग रियासत के खिलाफ सरकशी करें, उन्हें उस मुल्क में, उस रियासत में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। इलेक्शन होगा तो ये फितना जो है इस मुल्क की सियासत से माइनस होगा। पीटीआई ने रियासत के खिलाफ सरकशी और बगावत की है, ऐसे लोगों को सियासत का कोई हक नहीं। वफाकी वजीर दाखला राणा सनाउल्ला का फैसलाबाद में खिताब, कहा दिफाई तनसीबात पर हमले करने वालों को मुआफ नहीं किया जा सकता, रियासत की रिट हर सूरत कायम करेंगे, वोट की ताकत से फितने को मुल्की सियासत से माइनस करेंगे। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों के लिए गलत मालूमात फैलाई गई। पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर जाली ट्रेवल एडवाइजरी की झूठी खबर पकड़ी गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जाली ट्रेवल एडवाइजरी मुस्तरद कर दी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दौरान समाप्त प्रोसिक्यूशन का ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर अदम एतमाद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोले फैसला पसंद आए तो चैलेंज कर सकते हैं, मैं वही जज हूं जिसने पीटीआई के वर्कर्स का रिमांड दिया। परवेज इलाही के वकील ने एंटी करप्शन के दायरे अख्तियार पर सवाल उठा दिया। डीजी एंटी करप्शन बोले कम नंबर वालों को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर भर्ती किया गया, केस मजबूत है। £190 मिलियन की मुंतकली का स्कैंडल, नैब रावलपिंडी ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। सेक्रेटरी एक्साइज से पीटीआई दौर के वज़रा की जायदाद, अकाउंट्स और गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब। शेख रशीद, परवेज कटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर के नाम शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, अवाम दोस्त पार्टी या पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, नई सियासी जमात के लिए 3 नाम जेरे गौर। जहांगीर तरीन ने नाम फाइनल करने के लिए कमेटी बना दी। पीटीआई छोड़ने वाले हम ख्याल अराकीन ने भी डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया। मुराद रास कहते हैं किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अपनी अलग शनाख्त बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से खुशगवार मुलाकात, कहा आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। तैयब उर्दवान मुस्करा दिए, कहा पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं। ट्वीट पैगाम में वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ट्रेड इन गुड्स मुहैदा 31 मई से फाल हो चुका, तिजारत का हजम $5 अरब तक हो सकता है।
शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। पाक फौज के दो जवानों ने शहादत का तमगा सीने पर सजाया। ISPR के मुताबिक मुकाबले में दो दहशत गर्द भी मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। छुपन छुपाई का खेल या कत्ल। लाहौर में लापता दो कमसिन भाइयों की लाशें घर में आटे के ड्रम से मिल गई। पुलिस के मुताबिक 5 साल इर्तजा और 3 साल राहील वाकुआ के रोज घर में ही मौजूद थे। वालिद का कहना है पहले भी बच्चे खेलते हुए ड्रम में छुप गए थे। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कराची के इलाके लांडी मानसरा कॉलोनी में पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा। 13 साल लड़की की जान ले गया। अरीशा घर की खिड़की से खड़े होकर लड़ाई देख रही थी कि गोली माथे पर आकर लगी। पुलिस ने मुलजिम जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके करंगी सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में दो जख्मियों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद। गुलशन मेमार एहसनाबाद के करीब मुलजिमान की फायरिंग। हाई रूप में मौजूद शख्स जान से गया। बलूचिस्तान के इलाके आवरान में स्कूल टीचर की मुबैना खुदकुशी का केस। मरकजी मुलजिम नूर बख्श ने गिरफ्तारी दे दी। गुजरात में मां को कत्ल करने वाले मुलजिम को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। बदबख्त बेटे ने 3 माह कबल मामूली तकरार पर वालिदा को कत्ल कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में भारत को एक बार फिर सिफारती नाकामी का सामना। खालिस्तान के क्याम और भारत से आजादी के लिए रेफरेंडम का तीसरा मरहला मुकम्मल। सिडनी में 31,000 सिखों ने भारत से आजादी के हक में वोट दिए। फुटबॉल की दुनिया के बड़े नामों के कदम सऊदी क्लब की तरफ बढ़ने लगे। फ्रांसीसी स्ट्राइकर करीम बेंजेमा और इत्तेहाद के साथ महंगे तरीन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। लियोनेल मेसी और हलहा के दरमियान बातचीत आखिरी मराहिल में दाखिल। और डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टापन ने स्पेनिश ग्रां प्री जीत ली। रवां सीजन में यह उनकी 5वीं और मुसलसल तीसरी कामयाबी है। लुइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पर रहे। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा।